नमो नमः, आपका स्वागत है वैदिक जीवन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि विशेष पुस्तक, पुस्तक का शीर्षक है द्वादश ज्योतिर्लिंग। ये पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर से। पुस्तक का कोड है 2155। द्वादश मतलब 12, 2 और 10। ज्योतिर्लिंग जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है, कहाँ पे हैं, क्या उनका इतिहास है। तो अगर आप द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। ये पुस्तक आती है सॉफ्ट कवर में। चलिए माप देख लेते हैं इसका। तो पुस्तक की जो चौड़ाई है वो 5.25 इंच की है और जो लंबाई है इसकी वो है 8 इंच की। तो ये सॉफ्ट कवर में आती है पुस्तक। अंदर देखते हैं, जैसा कि गीता प्रेस की पन्नों की क्वालिटी छपाई होती है वैसा इसमें भी है, सर्वोत्तम है। यहाँ देखिए लिखा है द्वादश ज्योतिर्लिंगों का सचित्र इतिहास, उनकी भौगोलिक स्थिति, सचित्र पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान तथा लिंग रहस्य इत्यादि विस्तार विवेचन। तो काफ़ी विस्तार से इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। तो पुस्तक का मूल्य है मात्र 50 रुपये। मात्र 50 रुपये में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और जिसके माध्यम से आप जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो भी जानकारी आप चाहते हैं सभी इसमें पुस्तक में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो विषय सूची देखते हैं। तो ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ। ये आपका गुजरात राज्य में है। देखिए लिखा हुआ जिला गिर सोमनाथ गुजरात। देखिए लिखा हुआ है मंदिर का इतिहास, पूजा समय, प्रमुख पर्वोत्सव, जो भी पर्वोत्सव में जो विशेष पूजा होती है उसका विवरण इसमें है, प्रभास क्षेत्र, तीर्थ दर्शन, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने का स्थान। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आसपास में क्या है, कौन से तीर्थ स्थान है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आप यातायात, कौन सा साधन से आप वहाँ पहुँच सकते हैं, रुकने की व्यवस्था, होटल, धर्मशालाओं की क्या क्या जानकारी सारी इसमें मिल जाएंगी आपको। बहुत ही अच्छी है जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अगला है श्री मल्लिकार्जुन। ये है श्री शैल जिला कुरनूल आंध्र प्रदेश। तो उसी प्रकार से सारे जो 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। फिर है यहाँ पे चित्र सूची। जितने भी चित्र इसमें प्रयोग किए गए हैं इस पुस्तक में उनके बारे में लिखा हुआ है। सादे चित्र, कुछ रंगीन चित्र हैं, कुछ सादे चित्र हैं। तो ये है श्री सोमनाथ। ये देखिए यहाँ पे इसका विस्तार से श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है और कुछ रेफरेंसेस भी, जैसे शिव पुराण से लिया गया है ये श्लोक, कौन से अध्याय से, वो सारा इसमें विवरण है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें रेफरेंस दिया रहता है। अगर आपके पास पुराण है तो आप देख सकते हैं उसमें भी, और भी विस्तार से जानकारी अगर आपको चाहिए उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये है शिव जी का एक चित्र, ब्लैक एंड वाइट, शिव जी का चंद्रमा को वर प्रदान करना। तो यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, चंद्रमा जी को एक श्राप मिला था प्रजापति दक्ष के द्वारा क्षय होने का। उसी समय ये यहीं पे उसी स्थान पे शिव जी ने इनको वरदान दिया था क्षय को नियंत्रित करने का, कह लीजिए क्षय ख़त्म तो नहीं हुआ था। ये जो चंद्र ग्रहण होता है, यह जो चंद्रमा जो घटता है बढ़ता है, जो कलाएं हैं वो उसी श्राप का, जो प्रजापति दक्ष का श्राप है उसी का प्रभाव है। शंकर भगवान ने उसको ख़त्म तो नहीं किया था बट वरदान दिया था और उनको अपने शीश पे स्थान दिया था। और जो शंकर भगवान जी के, शिव जी के जो शीश पे जो चंद्रमा है वो द्वितीय चंद्रमा होते हैं। तो ये भी चीज़, तो ये आप देख सकते हैं इस चित्र में शिव जी का चंद्रमा को वर प्रदान करना, उसका एक चित्रण है यहाँ पे। और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये सोमनाथ जी का ही है, उसी समय स्थापना की थी उन्होंने वहाँ पे।
और सोम सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, सोमनाथ यानी चंद्रमा के नाथ, उसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। आगे चलते हैं, ये मंदिर का इतिहास इसी प्रकार से काफ़ी विस्तार से आपको इसमें जानकारी मिलेगी, यातायात के साधन, ठहरने का स्थान। फिर ये अगला ज्योतिर्लिंग है, मैं रंगीन चित्र देखता हूँ किधर है, ये श्री महाकालेश्वर। इसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग, सभी का एक सादा चित्र, रंगीन चित्र किधर है, रंगीन चित्र आई थिंक अंत में है क्या, रंगीन चित्र इसमें रंगीन चित्र दिया नहीं है, बताया सूची दी है। अगर आपको पता है क्या है ये तो मुझे बताइए कमेंट में लिख के। यहाँ पे चित्र सूची में लिखा हुआ रंगीन और सादे सादे, तो पन्नों की संख्या भी दी हुई है कहाँ पे है, बट इसमें नहीं लिखा है। शायद इसके लिए जो रंगीन चित्र है इसके लिए लिखा हुआ है शायद। अगर आपको कुछ जानकारी है तो ज़रूर बताइए कमेंट में। तो ये था छोटा सा वीडियो, कुल पन्नों की संख्या जो है इसमें वो है 256, और अंत में है ये शिव आरती, महादेव की आरती। ये बहुत अच्छा है, ये आरती मिल जाती है साथ में आपको, कोई आरती संग्रह तो नहीं है अभी मैंने देखी है गीता प्रेस में, बट अंत में स्तोत्र वगैरह भी है कुछ, लिंगाष्टकम, शिव जी की पूजा विधि में, शिव पूजा संबंध में कुछ आवश्यक बातें हैं। बहुत अच्छा है, देखता हूँ मैं ऐसे भी शॉर्ट्स कुछ बनाऊँगा, अभी मैंने पढ़ा नहीं है इसको। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो 12 ज्योतिर्लिंग नामक पुस्तक पे, जो आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, पुस्तक का कोड है 2155। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और घंटी अवश्य दबाएँ। घंटी दबाने के बाद ऑल लिख के आएगा, उस पर ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।